की बात नहीं करता, मुल्क से बाहर बर्रे सगीर की बात करता हूँ। जिस बस्ती ने अपनी शोहरत का लोहा मनवाया हो और जिस बस्ती के अंदर हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद पैदा हुए हो, जिस बस्ती के अंदर हजरत मियाजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हो, जिस बस्ती के अंदर हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हो, रहमतुल्लाह अलैह जैसा तकवा और आबिद और साहिब इल्म अता किया हो, उस बस्ती को थेपुर कहा जाता है। लेकिन उस बस्ती के अंदर अगर उस बस्ती के अंदर दीन की निस्बत जिन प्रोग्रामों की निस्बत दीन से जोड़ दी जाए, जिन प्रोग्रामों की निस्बत अल्लाह से जोड़ दी जाए, जिन प्रोग्रामों की निस्बत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दी जाए, अगर उन बस्ती के अंदर इस तरह के प्रोग्राम और दीनी महाफिल दीनी मजालिस का मुनाकिद किया जाना और वहाँ पर उलमाए किराम का अहमद रफ जिस बस्ती के अंदर हो, अगर उस बस्ती के अंदर दीनी महाफिल या दीन का कोई प्रोग्राम रख दिया जाए तो वहाँ पर बहुत कम तादाद में लोग नजर आते हैं। होना तो ये चाहिए था उस बस्ती के अंदर, जिस बस्ती के अंदर उलमा की एक कसरत हो, जिस बस्ती के अंदर उलमा की एक भरमार हो, शोरा इज़ाम के चेहरे जिनको देखने में हदीस शरीफ के अंदर सवाब और जिनके चेहरों को देखने में काफी फजीलत आई हो, उस बस्ती के अंदर चंद नौजवान और चंद बुजुर्गों का जमा होना खुदा की कसम अफसोस से कम बात नहीं है और अफसोस करने के काबिल है, अफसोस करने के मुतरादिफ है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती के अंदर मुसलसल के प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है हम एक दूसरे के खिलाफ जान तो बुन देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बगावत का मैदान तो गर्म कर देते हैं, लेकिन कभी हम अपने प्रोग्राम को मजबूत करने में, अपने दीनी इदारों को मजबूत करने में उनमें हम नाकाम रहते हैं। बड़ा अफसोस की बात है, जिस बस्ती के अंदर उलमा हो उस बस्ती के अंदर हम अपने प्रोग्राम को नाकाम बनाए, ये अफसोस और सद अफसोस है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत और इन प्रोग्रामों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। स्टेज बन चुके हैं और अगली कार्रवाई हजरत कारी मोहम्मद शहजाद साहिब इस प्रोग्राम की फरमाएंगे। मैं हजरत को बड़े ही मुअद्दिबाना अल्फाज और बड़े ही तातीबन दरख्वास्त करूंगा कि हजरत वाला अपने निजामत के फराइज बखूबी अंजाम दें और मैं उनको दावत देता हूं हजरत कारी शहजाद साहिब हमारे स्टेज पर और तशरीफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती के उलमा का साया हमारे सरों पर तादीर कायम फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्ग और इन उलमा की बरकत से हमारी मफ़िलत फरमाए और इस बस्ती के जो उलमा है उनकी वजह से उनके सदके तुफैल में हमारी भी मफ़िलत फरमाए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदकाए जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।